हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें और अपने बेश कीमती कमेंट्स को डालना न भूलिए। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है वी रिमेंबर व्हाट यू डिड इन अफगानिस्तान एंड एशिया, जयशंकर शार्प रिप्लाई टू यूरोप एंड यूएस, प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर डॉक्टर अजय शंकर की एक स्टेटमेंट को कवर किया गया है। यहां पर आप देख पाओगे डॉक्टर अजय शंकर ने रिसेंटली ये कहा है कि यूक्रेन में आज के समय जो हो रहा है वो देखकर हम सबको पीड़ा है और वेस्टर्न कंट्रीज बार बार हर जगह यूक्रेन का इशू रेस कर रही है, मगर हमें ये भी अच्छे से याद है, इन्होंने ये बात कही कि मुझे अच्छे से याद है कि एक साल पहले अफगानिस्तान में जो एक पूरी सिविल सोसाइटी थी, जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको आपने बस बस के नीचे फेंक दिया अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो अफगानिस्तान में जो हुआ है, एशिया के बाकी देशों में जिस तरीके से रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ा गया है, उसको लेकर पश्चिमी देश इतने चुप क्यों हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अजय शंकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और इन्होंने ये स्टेटमेंट कहाँ पर दी है। ये स्टेटमेंट दी है भारत के विदेश मंत्री ने रायसेना डायलॉग में। आपको बताऊंगा रायसेना डायलॉग भारत की नंबर वन जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स पर बातचीत करने वाली एक कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती थी, मगर बीच में बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक कुछ यहाँ पे अंकुश लगा, मगर इस साल 2022 में फिर से ये समिट रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे शशि थरूर साहब की ट्वीट है, ये यहाँ पर मिले डॉक्टर अजय शंकर से। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इन दोनों महान शख्सियत ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और इन पर्टिकुलर डॉक्टर अजय शंकर साहब की जो स्टेटमेंट थी ये हाईलाइट बन गई इस पूरे कॉन्फ्रेंस की। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इस बार जो रायसेना डायलॉग 2022 हो रहा है, इसका थीम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं सब लोग अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे मैंने आपको बताया रायसेना डायलॉग जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इंडिया की मेन कॉन्फ्रेंस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूरोप से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, कई फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आज के समय उर्सुला वॉन, ये भारत में आई हैं और इन्होंने भारत में आकर ये कह दिया कि देखिए रशिया बहुत ज़रा गलत कर रहा है यूक्रेन में, और इन्होंने आगे फिर ये भी बात बोल दी कि इंडिया को याद रखना चाहिए कि रशिया चाइना फ्रेंडशिप की कोई भी लिमिट्स नहीं है, ये दोनों देश एक दूसरे की हेल्प कहीं भी करने को तैयार है। ऑफ कोर्स इनका हिंट यहाँ पर ये है कि कल को अगर चाइना अग्रेशन करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि रशिया चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेगा। सेम बात आपको याद होगी कि ओपनली यूएस ने भी कह दी थी कि इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन रशिया टू काउंटर चाइना। अब यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जब लगातार ऐसी स्टेटमेंट जारी हैं, और ये यहाँ पर बार बार एक बार दोहरा रहे हैं कि देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कुछ नहीं होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने भी पिछले एक दो हफ्तों में ये वर्ड 85 बार सुना हो, बहुत से आर्टिकल्स में कई विदेश मंत्री ये वर्ड यूज़ कर चुके हैं कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर है क्या। देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर प्राइमरली बनाया था वेस्टर्न कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद, और फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तब इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का देखिए कोई ऑफिशियल आपको आंसर मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर है ये आपको फॉलो करना है। जब हम बात करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, तब हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, ये फॉलो किए जाएंगे। मतलब कि किसी कंट्री पर बिना वजह वॉर नहीं होगी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म होगा मतलब कि आपस में ट्रेड किया जाएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म होगा मतलब कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा, लिबरल इंटरनेशनलिज्म होगा मतलब कि डेमोक्रेसीज आपस में बातचीत करके जो अपने इश्यूज हैं वो सुलझाएंगी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को काफी बार कहा जाता है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, LIO, और लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कौन सी कंट्रीज करेगी? ऑब्वियसली जो लिबरल नहीं है, जो अथॉरिटेरियन है, फॉर एग्जाम्पल रशिया, फॉर एग्जाम्पल चाइना। मगर जो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है काफी बार, ये ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पे अटैक होने के बाद टूटा है। यहां पर आप देखोगे इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा कि ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो था ये अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये एक मिथ थी, वेस्टर्न कंट्रीज इसको प्रमोट करती थी, मगर कभी भी
इस पर प्रॉपरली काम किया नहीं गया। यहां पर आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और आर्टिकल है कि यूक्रेन वॉर शोज दैट रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज ए कंप्लीट मिथ, और इसी बात को प्रॉपरली हाईलाइट किया है डॉक्टर अजय शंकर साहब ने कि मैं उम्मीद करता हूं कि यूक्रेन क्राइसिस से जो पश्चिमी देश है प्राइमरली यूरोपियन यूनियन ये जाग जाएगा और देखेगा कि जो इनका रूल्स बेस्ड ऑर्डर था ये बहुत लंबे समय से अंडर अटैक है, ना सिर्फ यूरोप में इवन एशिया में। अब एशिया में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 बार जंगे करी है, हालांकि हर बार ये जंग हारी है, मगर जब भी पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया है क्या ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की वॉयलेशन नहीं थी? बिल्कुल थी ना। उस टाइम जो पश्चिमी देश थे वो हमको क्या कहते थे, क्या वो इस तरीके से हमारे समर्थन में आते थे? ऑब्वियसली नहीं। उनका कहना ये होता था आप लोग थोड़ा सा बैठ के अपना सुलझाइए और ट्रेड करा करो, ट्रेड आपस में जितना करोगे उससे आपका फायदा होगा, ऑल टुगेदर जो आपके डिफरेंसेस हैं वो भी कम होंगे। तो ये जो बात है डॉक्टर अजय शंकर ने ओपनली रायसना डायलॉग में बोल दी कि जब एशिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर टूटता है, जब अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर लेता है, जब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, तब तो हमको ये कहा जाता है कि ट्रेड इंप्रूव करो, इन्वेस्टमेंट्स इंप्रूव करो, हाँ उससे शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय शंकर साहब ने ये बात बोली है इट इज वेरी इंप्रेसिव। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये वीडियो है ये आप देखें। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर सिटिंग हियर इन इंडिया बिकॉज इट वुड रिमाइंड यू दैट देयर आर इक्वली प्रेसिंग इश्यूज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई मेंशन अफगानिस्तान, I mentioned the challenges which we faced in Asia. And if I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. And in terms of, Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order और देखिए यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट के और देखिए यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के सामने ये बात ओपनली कहना कि अभी तो देखो आप इंडिया में आए हो ये कहकर के देखो रशिया ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर तोड़ दिया यूक्रेन में, मगर जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर एशिया में बार बार तोड़ा जा रहा था तब आप कहाँ थे, तब आपने क्या स्टेटमेंट दी थी? तब तो आप ये कह रहे थे कि आपस में ट्रेड करके जो अपना इशू है सुलझा लो। कम से कम हम आपको वो तो नहीं कह रहे, कम से कम इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि जी यूक्रेन को ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए रशिया से, होपफुली दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए क्रशिंग स्टेटमेंट दी है डॉक्टर अजय शंकर साहब ने। यूरोपियन जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास कोई जवाब था नहीं स्टेटमेंट का। और आज के समय देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखे, आप सोच कर देखिए। नहीं तो इससे पहले काफ़ी बार क्या होता था कि यूरोपियंस अमेरिकन वो अपनी बात बोल देते थे, हमारे न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी स्टेटमेंट अच्छे से कवर करते रहे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लगते थे कि जी यूरोप के और यूएस का कोई एम्बेसडर इंडिया में आकर ये कह गया है। मगर आज के समय इंडिया के विदेश मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये हेडलाइंस बना रही है इन यूरोप इन यूएस, उनको भी एक प्रॉपर मैसेज जा रहा है आज के समय कि आपने भी बहुत ही लंबे समय तक जो आपकी ड्यूटी थी जो आपकी कमिटमेंट थी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेकर इसे प्रॉपरली नहीं निभाया है, इसको फॉलो नहीं किया है बाकी रीजन्स में। लिटरली आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करी है, जहाँ पे आपका मन किया रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इग्नोर कर दिया, जहाँ पर मन किया उसको प्रमोट किया, इस तरीके से एक पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती। तो देखना अब यहाँ पर ये होगा कि इन द फ्यूचर मान लीजिए एशिया में जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ डेंजर आता है उस वक्त यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहेंगी, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर ओपनली बोल दिया है कि कहीं ना कहीं आपकी हिपोक्रेसी दिखती है, आपको ओवरऑल अपनी पॉलिसी हर रीजन के लिए इक्वल रखनी होगी तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो यूजुअली आपकी बात इग्नोर कर दी जाएगी। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि थीम क्या है रायसना डायलॉग 2022 का, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी तेरानोवा, इम्पैशन्ड इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रायसना डायलॉग 2022, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। ये प्रीमियर फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है भारत की ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। और फाइनली आप मैं ये भी ऐड कर दूं कि मैसिव 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है अन अकेडमी के सारे कोर्सेज पर, यूजुअली 10% होता है मगर आने वाले कुछ दिनों तक ये ऑफर चलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे गेट फ्लैट 20% ऑफ ऑन बिलो मेंशन अन अकेडमी कोर्सेज, यूपीएससी एसएससी बैंक नीट यूजी या कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना है सिंपली जाओ अन अकेडमी की वेबसाइट पे, यूज कोड PD10 और 10% की जगह 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं यूपीएससी पर तो आप देखेंगे यूजुअली जो प्राइसेस यहां पर होते हैं उससे बहुत ज्यादा।
दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये जानकारी मिली है कि इस साल रायसीना डायलॉग 2022 होने जा रहा है, और ख़ास करके जो अभी हुआ है, और ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक चीज़ों पर यहाँ पर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं और डिस्टिंग्विश स्पीकर्स होते हैं अलग अलग देशों से, इस बार 200 से अधिक स्पीकर्स बोलने वाले हैं, 100 से ज़्यादा सेशंस होने वाले हैं, और 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इस रायसीना डायलॉग में होने जा रहा है, कि जहाँ पर ये डिस्टिंग्विश स्पीकर्स जो होते हैं, जो ये थीम है इस बार का, जो थीम है वो है टेरानोवा, इम्पेशेंट इम्पेशेंट इम्पेरल्ड। तो अपनी अपनी राय वो वहाँ पर रखते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वोन, वो भी इस मंच से उन्होंने बोला है, और ख़ास करके उन्होंने ये कहा है कि रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप हो वो ऐसी है कि अगर कल चल के अगर चाइना भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर अगर आक्रमण करता है, तो अब ये उम्मीद न रखे कि रशिया आपको हेल्प करेगा। तो ये उनकी अपनी राय रही है। तो और ख़ास करके रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बातचीत यहाँ पर हुई, और किस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि हाल ही में कुछ महीनों पहले जो अफगानिस्तान में जो सिविल सोसाइटी थी, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, किस प्रकार से उसे उखाड़ फेंक दिया गया, कैसे अमेरिका वहाँ से बिल्कुल उनको निहत्ते वैसी बेसहारा उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया, और आज वहाँ पर तालिबान का राज है और पूरा जो देश है बिल्कुल एक क्योटिक सिचुएशन में पहुँच गया है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण एशिया में भी देखने को मिलते हैं। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो बेस्ड है पॉलिटिकल लिबरलिज्म के ऊपर, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म के ऊपर। पर कई बार हमें देखने को मिला कि ये बायस ही हमें देखने को मिला है कि जब भी कोई यूरोपियन कंट्री के ऊपर, अमेरिका में, कनाडा में या और जो कंट्रीज है उनके ऊपर कोई जो बाहरी आक्रमण होता है, तो ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ये सारे लोग चर्चा करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, कि जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है। पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हम हिंदुस्तान पर 4 बार हमला किया, तो उस समय भी यही यूरोपियन लोग थे, यही अमेरिका थी, कि वो कहने लगे कि अपने आप दोनों के बीच में जो भी दुश्मनी है, जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसे पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्रेड इम्प्रूव करो, ट्रेड इम्प्रूव होगा तो अपने आप ही सारे मसलों का हल निकल जाएगा। तो फिर क्या ये अप्लाई यूक्रेन में नहीं होगा, कि क्या ये नहीं कहा जाएगा कि यूक्रेन ने रशिया के साथ अपना ट्रेड इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ये जो वॉर सिचुएशन है ये दूर हो जाए। तो ये एक प्रकार की हिपोक्रेसी हमें देखने को मिलती है इन लोगों की, और इसी हिपोक्रेसी के ऊपर ज़बरदस्त प्रहार उस रायसीना डायलॉग में एस जयशंकर ने किया, और कहने की कोशिश की है कि ये मिथ है और ये एक वन साइडेड अप्रोच है। अगर ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर अगर बाहर बाकी के कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है, जो यूरोपियंस है, अमेरिकन्स है, कैनेडियंस है, तो वही रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हम एशियंस के लिए भी उतना ही लागू होता है। बट अफसोस, हम देखते हैं कि हमेशा दोहरा मापदंड यहाँ पर हमेशा इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जब भी कोई अमेरिकन या जब भी कोई यूरोपियन स्पीकर आता था, तो हमारे भारत के जितने सारे अखबार हैं, जितने सारे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती थी, उनको बहुत हाईलाइट किया जाता था। अब उल्टा हुआ है कि इस रायसीना डायलॉग के माध्यम से जिस प्रकार से एस जयशंकर ने अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को रखा है, वो अब यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ के अखबारों में, वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में, वहाँ का वो एक चर्चा का विषय बन गया है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत अपनी रणनीति बना रहा है, किस प्रकार से वो पूरे वर्ल्ड में अपनी ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो अ सैल्यूट टू आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, और मैं फिर एक बार प्रशांत धवन जी को सैल्यूट करना चाहूँगा कि फिर एक बार उन्होंने एक ऐसा विषय हमारे सामने रखा है और हमें और जानकारी देने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो हमें ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।